हेलो फ्रेंड्स, जैम अच्छा नहीं हुआ या फिर जैम बहुत अच्छा हो गया, दोनों ही केसेस में कोई बात नहीं। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जैम का पेपर अच्छा होने के केस में और जैम का पेपर बुरा होने के केस में। उन पे बात कर लेते हैं जिन लोगों की जैम की स्कोर, जैम की रैंक अच्छी नहीं आने वाली है। भगवान ना करे ऐसा हो तुम लोगों के साथ, पर अगर ऐसा हो गया, तुम्हें आंसर की आने पे पता लग रहा है कि तुम्हारा आईआईटी में नहीं हो रहा, और अब आगे क्या करोगे बीएससी के बाद, तुम्हारे ऑप्शंस क्या-क्या खुले हैं वो हम देख लेते हैं। देखो, जैम तो तुम्हारा चला गया, हाथ से निकल गया, टिफर का एग्जाम तुम्हारा हाथ से निकल गया, जैम और टिफर जा चुका है, एक जेएनयू का एग्जाम भी तुम्हारा जा चुका है, और जैम भी तुम्हारा खराब हो चुका है, आईआईटी का सपना जा चुका है, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। लेकिन नहीं, तुम्हारे पास एक चांस और है, वो क्या है, आईआईटी मंडी। आईआईटी मंडी, तुम लोग आईआईटी का टैग लेने का जो तुम्हारा सपना है ना, वो तुम पूरा कर सकते हो। वो किसके थ्रू, आईआईटी मंडी अपना अलग से एग्जाम कंडक्ट करवाती है, तो तुम आईआईटी मंडी की एग्जाम की डेट्स चेक करते रहना और उसके फॉर्म्स कब आते हैं। अभी नेक्स्ट मंथ में या उससे नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में आने वाले होंगे, तो उसको चेक करते रहना, प्रॉपर अपडेट रहना। आईआईटी मंडी का एग्जाम निकलेगा, फिल करना, टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, बस आराम से, बहुत इजी पेपर होता है। लास्ट टाइम मोस्टली क्वेश्चंस ऑर्गेनिक के थे, जान के बहुत खुशी होगी तुम। जिस जिसको ऑर्गेनिक पसंद है तो बता देता हूँ, ऑर्गेनिक का बहुत बढ़िया लेवल आया था, बहुत अच्छा पेपर हुआ था। तो आईटी मंडी में तुम जा सकते हो। आईटी मंडी की बढ़िया बात, तुम्हें पहले सेमेस्टर में जाते ही प्रोजेक्ट्स अलॉट हो जाते हैं, पूरे 2 साल, पूरे छः छः 12 12 महीने, 4 4 महीने का तुम्हारा एक सेमेस्टर होता है, तो तुम 12 महीने या 16 महीने जैसे तुम बोलोगे टोटल राउंड फिगर में, तो इतने में तुम सिर्फ तुम्हारे प्रोजेक्ट पे काम करोगे, वो बेस्ट है। तो मैं तो प्रिफर करूंगा और किसी यूनिवर्सिटी में जाने की बजाय तुम आईटी मंडी का पेपर भरो और उसमें जाओ। अब देखो, जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ उनके पास चांसेस और क्या क्या है, उनके पास बीएचयू का पेपर अभी निकलने वाला है, उनके पास क्या, बीएचयू का पेपर अभी निकलने वाला है, डीयू के फाइनल सेमेस्टर के जो एग्जाम्स होते हैं ना, उसी के आसपास उसका पेपर होता है, और अभी नेक्स्ट मंथ में उसका फॉर्म भी निकलने वाला है, उसे फिल कर देना अच्छे से, और वहां जाने के भी तुम्हारे चांसेस हैं। बहुत इजी पेपर होता है, बस थोड़ा पेपर लेंदी होता है, टाइम कम रहता है, तो तुम्हें उसमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी पेपर में, उसके लिए मैं अलग से बता दूंगा क्या करना तुम्हें। इसके बाद तुम्हारी तीसरी प्रायोरिटी जो आनी चाहिए ना, वो है डीयू का पेपर। डीयू में भी तुम्हारे पास बहुत अच्छे चांसेस हैं। डीयू का पेपर अगर तुम ऑप्ट करना चाहते हो, तो तुम्हारी नॉलेज है ना, नॉलेज वो वाइड होनी चाहिए, उसमें डेप्थ नहीं चाहिए तुम लोगों को, तुम्हें टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो लास्ट ईयर का पेपर मैंने दिया था, 8th रैंक थी, तो उस पेपर में क्या करोगे, सिर्फ टॉपिक्स के बारे में जानना, उसमें थियोरेटिकल क्वेश्चंस कुछ ज्यादा ही मिलेंगे तुम्हें कि ऐसा कर दूं क्या होगा, इस ये चीज क्या होती है, ये चीज क्या करने के काम आएगी, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं बहुत इजी इजी, तुम कर लोगे। बीयू के बाद कुछ पेपर बनते हैं, जैसे पीयू हो गया, जामिया हो गया, जामिया का पेपर भी मैंने दिया था लास्ट टाइम, तो जामिया के पेपर में भी ऑर्गेनिक अच्छी खासी थी, ठीक ठाक थी, इतनी हार्ड भी नहीं बोलेंगे, फिजिकल भी अच्छी खासी थी और टाइम कम था, इसमें भी टाइम कम रहता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से मैं काफी 70+ क्वेश्चन सॉल्व कर पाया था, तो इसमें स्पीड रखना, तुम इसमें स्पीड रखना, कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है इसमें, क्या नहीं होता, कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, तो अपनी कैलकुलेशन पार्ट ना उसको स्ट्रॉन्ग करके रखना इसमें। बाकी अगर तुम्हारा इन सब में भी नहीं हो पा रहा है, अगर तुम्हारा इन सब में भी नहीं हो पा रहा, तो तुम करोगे क्या, तुम्हारे पास और भी चांसेस बचते हैं, सीसेट बचता है, उसमें 7 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, जैसे हरियाणा यूनिवर्सिटी होगी, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी होगी, जैसे गुजरात यूनिवर्सिटी होगी, ये बाकी सब यूनिवर्सिटीज इसके बेसिस पे, इसके स्कोर कार्ड के बेस पे एडमिशन लेती हैं, तो तुम्हारे पास अभी एक सीसेट का चांस बचता है, वो भी अगले महीने उसका फॉर्म निकलने वाला है। एमडीयू और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का भी अलग पेपर होता है, ये तुम
फिल कर सकते हो अगर तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा है तो। तुम इतनी जगह पे तुम्हारे पास इतने चांसेस हैं मास्टर्स करने के, तो सब्जेक्ट मैटर करता है, यूनिवर्सिटी मैटर हाँ करती है, यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म मैटर करता है। आईआईटीज में जाओगे, आईएसएमआर में जाओगे, एनएसएआर में जाओगे तो तुम्हारा प्लेटफॉर्म बड़ा होता है, तुम्हें चांसेस बहुत मिलते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, अगर तुम्हें पोटेंशियल है, किसी कारण से तुम्हारा नहीं हो पा रहा है, तुम्हें पोटेंशियल है तो तुम आगे ग्रोथ कर जाओगे। इसलिए सब्जेक्ट से जुड़े रहना और तैयारी करते रहना, तुम किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में पहुंच जाओगे। अब उनकी बात करते हैं जिनका पेपर बहुत अच्छा हुआ है, जिन्हें लग रहा है उनका पेपर बहुत अच्छा होगा, उनकी बहुत अच्छी रैंक आने के चांसेस, जिनकी रैंक अंडर 300 आने के चांसेस हैं, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ। IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट साइंसेज की जो है बेंगलोर में IISc, उसका एक अलग से फॉर्म निकलता है, वो अंडर 300 रैंक जो अचीव करते हैं उनको अलग से इंटरव्यू के लिए इनवाइट करती है, तो इसका फॉर्म फिल कर देना तुम लोग। आईसर कोलकाता, मोहाली, पुणे, भोपाल, इन सबके सबके अलग अलग एग्जाम्स हैं, अलग अलग इंटरव्यूज हैं, अलग अलग तुम लोग इनका पेपर फिल कर सकते हो। जो भी लोकेशन तुम्हें अच्छी लगे वहां तुम जा सकते हो, इनका भी पेपर तुम्हारे लिए रहता है। जेंसर बैंगलोर, इसका भी तुम फिल कर सकते हो। तो ये सब तुम्हारे लिए यूनिवर्सिटीज हैं, इसमें जा सकते हो। टीफर तुम्हारे लिए ऑलरेडी जा चुका है, और जिनको लग रहा है कि नहीं ये नीचे मतलब BHU हो गया, DU हो गया, इनमें नहीं जाना, IIT ही चाहिए, तो रैंक भी अच्छी नहीं है, तो तुम अपनी INIT की काउंसलिंग करवा सकते हो जो जैम के बाद होगी। तो उस बेसिस पे INIT अगर मिल रही है तो NIT वरंगल, NIT त्रिची, इन सब में तुम लोग जा सकते हो, देख लेना। और ये सब तो था पेपर्स की, तुम्हारे पास ऑप्शंस क्या क्या है। अब मैं ये बता देता हूँ जिनका पेपर अच्छा हुआ है या नहीं हुआ, रिगार्डलेस तुम लोगों को कोई कुछ मैटर नहीं करता पेपर कैसा गया, हर एक पेपर इसमें से देने की कोशिश करना। जितने ज्यादा स्कोर कार्ड तुम्हारे पास होंगे, जितनी बढ़िया रैंक्स तुम्हारे पास होंगी, तुम्हारा CV उतना अट्रैक्टिव होगा, तुम्हें रिकमेंडेशन लेटर मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। और इसे PhD जिसे रिसर्च में जाना है ना, वो अभी इस टाइम को बेकार ना करे, किसी भी टीचर के अंडर जाके इंटर्नशिप्स ज्वाइन कर ले। इंटर्नशिप ज्वाइन करने का फायदा तुम्हें आगे होगा, जब तुम अभी रिसर्च के कांटेक्ट में आओगे कि कैसे काम होता है, कैसे कुछ होता है, वो सब तुम लोग जान लोगे। और बाकी एक चीज और बता देता हूँ, जिन लोगों को टीचिंग में आना है उनके लिए बहुत ही बढ़िया टाइम है। JM का पेपर हो चुका है, सारे कंसेप्ट तुम्हारे अंगुलियों पे हैं, जाओ कहीं ना कहीं पढ़ाना स्टार्ट कर दो, पर्सनल ट्यूशंस दे दो, जहां तुम्हें मौका मिले किसी भी एकेडमी के डाउट सेशंस ज्वाइन कर लो, कुछ भी करो, लेकिन खाली मत रहना इस टाइम में। पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, बहुत फायदा होगा। एक बात और, इसमें बहुतों को नहीं पता होता है, बहुतों को पता भी होता है तो सुन लो, तुम नेट का पेपर भी BSc 3rd ईयर के बाद फिल कर सकते हो। अभी जो जून में जो पेपर होने वाला ना, जिसकी डेट अभी है 16th जून, तो उस पेपर को भी तुम दे सकते हो, ठीक है, उस पेपर को भी तुम दे सकते हो, तो वो तुम फिल जरूर करना अगर बाकी रैंक्स के साथ, अगर नेट का स्कोर कार्ड तुम्हारे पास होगा, लेक्चरशिप तुम्हें अलॉटेड है, अगर तुम्हें JRF जूनियर रिसर्च फेलो तुम्हें अलॉट हो चुकी है, उसका स्कोर तुम्हारा कट ऑफ को पार कर रहा है, तो दिक्कत कुछ नहीं है, तुम्हारा CV और ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा कि BSc में ही तुमने ये नेट का पेपर क्लियर कर लिया। उसके बाद सिर्फ तुम्हारा सोल पर्पज क्या रहेगा, गेट क्लियर करना, तो गेट के लिए हम अलग से बात करेंगे। ये सब तुम्हारे ऑप्शंस थे, और बाकी अगर इनके बेस इन पे कोई क्यूरीज हो तो मुझे बता सकते हैं, IDO और मेल चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।